सर यहाँ पे 12 घंटा 16 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करवा के और ड्यूटी करवाते हुए और जो है उन लोगों को पेमेंट बाहर वालों को जो बैठे हैं उनको ज्यादा दिया जा रहा है, यहाँ का काट के पेमेंट दिया जा रहा है, मनमानी यहाँ चल रहा है। अंदर जो सामान मिल रहा है वो भी महंगा हुआ है, ऑफिसर को कुछ और रेट दिया जाता है, वर्कर को और कुछ रेट दिया जाता है, जो उधार लेते हैं उनको भी वही रेट दिया जाता है। हंगामा क्यों कर रहे हैं? हंगामा कर रहे हैं पेमेंट के लिए सर, ना गेट से बाहर भी नहीं जा रहे हैं, गेट बंद है महीना दिन से, और पेमेंट में जो है पेमेंट में कटौती करके दिया जा रहा है, जो ड्यूटी किया है उसको काट के दिया जा रहा है, जो नहीं किया उसको दिया जा रहा है। धागा मिल में काम चल रहा था लेकिन बाहर वाले कर्मचारियों का काम नहीं चल रहा था, ठीक है, तो जो अंदर वाले कर्मचारी काम कर रहे थे उन्हें पेमेंट कम मिली है, बाहर वाले कर्मचारियों को पेमेंट ठीक मिला, मानते ठीक मिला, उन्हें ठीक मिला, हमें भी ठीक मिलनी चाहिए, हैं? ये लोग ठीक नहीं थे। अफसर की पेमेंट जो है वो पूरी पेमेंट फिट आई है, कर्मचारियों की पेमेंट क्यों कम आई है ये बताइए। कितना परेशान हो? परेशान तो बहुत है सर, परेशान तो पूछो नहीं, परेशान है, सुनते नहीं है, बस बोलते ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, रात दिन ड्यूटी करते सर। और यहाँ पे कोई स्लिप पर्ची नहीं मिली है, यहाँ पे ऐसे ही पेमेंट आ गई, कोई स्लिप पर्ची नहीं है, क्या कटा है क्या नहीं कटा है, कितना हम लोग को मिला है कुछ पता नहीं है, एटीएम भी हम लोग के सारे बंद पड़े हुए हैं, हम लोग को कुछ नहीं बोलते, एक एक करके आओ हम बताएंगे कैसे कटा है कैसे नहीं कटा है, ये सब हम लोग जानना है। और हम लोग की पेमेंट कम आई है, 2000-3000 जो नहीं किया उसका 5000-6000 लोकल बंदों का पूरा फुल पेमेंट आया है, हम लोग यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग की आधी पेमेंट आ रही है।